हाँ अगर वो मारे, मैंने बोला वो मारे, मैंने इसको टैक्टिक्स सिखा दिया, मैंने बोला सबसे पहले बाल पकड़ लिए उसको। मारता ही रहेगा, स्टॉप मत। पहली जो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है 13 जनवरी और हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। और अभी हम तीनों जा रहे हैं किधर, यजुर के घर, यजुर एंड नीलम के घर लोहड़ी सेलिब्रेट करने। अभी तुम्हारा भाई चल रहा बिल्कुल पेटी पैक, ये देख लो टोपी ओपी। भाई इतनी दिल्ली में ठंड हो रखी है क्या बताऊं, बट इसी ठंड में लोहड़ी सेलिब्रेट करने का मजा आता है। कन्नी भी आ रही है अपने घर से क्योंकि शी इज ऑल्सो इन्वाइटेड, तो मजे आएंगे। ये देख लो दोस्तों लोहड़ी का माहौल सेट है पूरा। तो भैया बात ऐसी है, अभी मैं खड़ा हूँ यजुर के घर पे और इतना सब कुछ तो मैंने भाई इससे एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई लाइटें वाइटे लगा के प्रॉपर है मम्मी। अच्छा और ये रही लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये भाई का डालो, डालो, अरे डालो, मैं क्या ना पूरी प्लेट देखा था, थोड़ा सा डालो। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, ये देख क्या कर दिया भाई, लकड़ी गिरा दी। ये हैप्पी लोहड़ी। आगे बताओ, फ्रूटी तो है। का ये मेरे को कश्मीर से। तो भैया ये यूनिक कर दिया। तो तू बता ले, तू बता भैया। ये है एप्पल पाई। हाँ जी, है ये पीनट बटर, बिकॉज हेल्दी ऑप्शन चाहिए था, फ्लैक्स सीड्स वगैरह इसमें आप भी खा सकते हैं जिम जाने से पहले, बहुत अच्छा रहता है। और क्योंकि कन्नी ने तिरस्कार कर दिया था फ्राइड फूड का, क्या क्या था, स्प्रिंग रोल, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, लोग चटकारे ले लेके खाते हैं। लड़की ने कहा हटाओ साइड, इसका नहीं लाए। देख कन्नी, अच्छा तुम ले लिया, कैसा है टेस्ट? बढ़िया। अच्छा है, बढ़िया, लाविश है, आके देख ले, महंगा महंगा लग रहा है। आप खा के बताओ, एप्पल जैसा लग रहा है, एप्पल तो है, पीनट का स्वाद भी आ रहा होगा, सब टेस्ट आ रहा है, सब है तो सभी आ रहा है भाई, डिफरेंट है टेस्ट। ये आइडिया किसका था? उनका, ये ऑब्वियसली नीलम का ही आइडिया। कियारा आडवाणी का प्री वर्कआउट स्नैक है। तो ये है कियारा आडवाणी का प्री वर्कआउट और यजुर कह रहा है कि ये खाके मैं भी कियारा आडवाणी बन सकता हूँ। शादी की वीडियो बनाएगी। कन्नी के तो खाने का काम हो गया है, हो गया है, हो गया है। ये भैया अपने शांति में बस में थे ना, तो सारे बच्चे चिल्ला गए, शांति हो शांति, कहना की उन्हें मानती, ऐसे करके कुछ भी बोलते, वो डांटते थे ना इनको, तो उल्टा सारे बच्चे बोलते अरे शांति हो शांति। जैसी मेरा वो आने वाला होता था, स्टैंड आने वाला होता था, तो मेरे से क्या करते थे ऐसे ना, हाथ मिलाते थे और यूं यूं करके मरोड़ते थे, मतलब ना वो चेक करते थे कि ये कब चिल्लाएगा। और भाई मेरा हाथ ऐसे ना यूं हो जाता था, लेकिन मैं भाई चिल्लाता नहीं था। तो शक्ति यार उनके भाई जो है ना, रोज इसके पीछे ऐसे करके, एक दिन तो बोतल ना खिड़की से ऐसे फेंक दिया इसको मार मार के, तो ये ना रोते रोते, फिर दूसरे दिन भी इसने मार खा के आ गया और रोते रोते आ रहा, मेरा बोतल फेंक दिया, वो करा करा। मैंने बोला तू रोज ही शक्ति यार, तो ये दिन कुछ कर भी तो नहीं सकता भाई। नहीं दोनों भाई बोले कि दोनों भाई ना ना, वो कह रहे दोनों भाई, मैं क्या करूँ ऐसे करके रोके। मैंने बोला एक बात बता, अब कल से तू अगर रो के आया ना मेरे से पीटेगा। मैंने बोला पहले तो उससे लड़ेगा नहीं, अगर वो अगर दोनों, हाँ अगर वो मारे, मैंने बोला वो मारे, मैंने इसको टैक्टिक्स सिखा दिया, मैंने बोला सबसे पहले बाल पकड़ लिए उसको। नहीं पहले मैंने बोला कि रोज तो फिर करे, दो भाई मैं कैसे लड़ू, वो करू वे करू। मैंने बोला कुछ नहीं करना, जो भी सामने आएगा सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, अपना बैग बुक छोड़ना, फिर उसके बाद सबसे पहले इसको बाल पकड़ लेना, वो लड़ नहीं पाएगा, फिर उसको बाल पकड़ के दबा दियो पहले, फिर दूसरे वाले के। नहीं मैंने बोला जब बाल पकड़ के ना, तू मारता ही रहेगा, मरता रहेगा, छोड़ेगा नहीं, मतलब स्टॉप नहीं होगा।
एक्चुअली में दूसरा वाला ना आया नहीं था, मारता ही रहेगा, स्टॉप मत। पहली बार होगी जो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो ढंग से पहले क्या। अरे भाई मैं एक्चुअली क्या है, इससे रोज मैं दुखी हो जाती थी। अब बच्चे बच्चे में बड़े जाके लड़ना अच्छी बात नहीं है ना। मारा करे कि मम्मी आज मैंने उसको मारा, उसने दोबारा मेरे बैग से ना पंगे ले रहे थे, बोतल बोतल निकाल के फेंक रहे थे, वो कर रहे थे, आज मैंने उसको ऐसे करके मारा। और उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। मैं बगू हुआ क्या 24th August से 23rd September? ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन अ प्रैक्टिकल मटेरियल लेवल एंड ही हैज लिटिल यूज फॉर द एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ स्टोरी बुक रोमांस। जेन्युइन बात हो रही है। होल प्रॉब्लम मे बी एकेडमिक एनी वे सिंस इट विल टेक नो लिटिल एफर्ट टू ब्रिंग हिम एनी वे नियर द थ्रेश होल्ड ऑफ अ मैन वुमन रिलेशनशिप इन द फर्स्ट प्लेस बट इफ ही डज ही इज हियर टू स्टे. He is not the type to surrender you beneath your bad times. You'll have a long, lonely wait. But once he finds you, he'll stay forever. Actually, वो हाँ भैया, हाँ भैया, को क्या दिखाया? नहीं नहीं बोलो, नरे बोलो भाई. Actually, Virgos are deeply involved with love from earliest childhood, but not the Romeo Juliet kind of love. His chief way of expressing the word is concerned with unselfish devotion. To family, friends and those weaker or more disorganized than himself. He was born with an instinctiveness, love for work, love of duty, some kind of discipline, but at the same time, helplessness. Even the uninvolved Virgo, who doesn't quite reach such heights, feels slightly guilty that he isn't living up to the selfless ideals in some way. Definitely बहुत ही अच्छा ये किताब है, इसको मैं recommend करना चाहूँगा. ये अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. मैं चिल्ला चिल्ला के मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छी किताब है ये, कसम से. हम पांच छह जनों ने, चार पांच जनों ने पूरी कोशिश करी आग जलाने की दोबारा, असफल रहे, मुंह की खाई हमने. फिर आई है नेपाल की बेटी, पंजाब की बहू निर्मल जी. बट अंकित को भी क्रेडिट देना चाहेंगे हम, वो भी लगा रहा. हाँ बराबर हवा मारता गया. आप क्यों धक्का दे रहे हो बेचारे? एक यजुर अगर तेरा पुराना एक पुराना अंडरवियर अगर तेरा मिल जाता ना. इसको बोलना दोस्तों हमारा न्यू ईयर वाला व्लॉग देखो, आपको लक्स के बारे में जानना है तो इनका पुराना व्लॉग देखिए, आपको पता चल जाएगा. लिंक ऊपर आ जाएगा, लिंक ऊपर आएगा. टन्नी जला दी लकड़ी है अंडी ने, दीदी ने. दीदी 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 कैसे बोल रही? सॉरी सॉरी, नहीं नहीं दीदी दीदी यार गलती से आंटी क्या बोल दो भाई, इतना भाई तेरे को अंकल बोल देता हूँ. मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बोलियो मत. भाई अपना खाना लेके आ चुका है, सरसों की रोटी और मक्के का साग. सरसों का साग और ये है घर का मक्खन. अच्छा वाइट 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 वाइट. भाई ये पार्टी तो कन्नी के लिए डेडिकेटेड है. हाँ सरसों का साग, मक्के की रोटी, मैदे की आइटम नहीं खा रहा. ए भगवान ये बस कर भाई. भाई वीडियो बना रहा हूँ क्या कर. वीडियो में दे रहा था, वैसे नहीं देता. है ना है ना, एक बार साग ना अलग से खा के देख, स्मूथ है ना. इंडियन भी है ग्रह. हाँ हाथ में जलती लकड़ी नहीं, बस मुंह में डालते डालते रहेंगे. ये जो अभी होने जा रहा है ये हो चुका था. लेकिन ब्लॉग के ये क्या भाई, ये क्या है, ये क्या चल रहा है, ये क्या जमल कुदू, ये क्या जमल कुदू, क्या चल रहा है. हाँ हाँ भाई देख लो, ऐसे ऐसे नहीं है हमारे डीएवी के, वी आर दी चिल्ड्रंस ऑफ डीएवी स्कूल, ऐसे हम नहीं करते. करो फैसिलिटेट करो करो. जी हाँ जी, ये हैप्पी लोडी नीलम एंड यजुर की तरफ से.
ये तुम लोग तो सही में भी कड़े हो गए। तुम वो भी पढ़ रहे पहन रहे कर मम्मी शॉल की वेट कर रहे हो क्या? यार फोटो खींच रही है। कुछ भी नहीं बोल रहा तुम लोग। चलो चलो अब लो तो नहीं। फिर हम पार्किंग में गए, दो और निकले ग्रीन में, फिर एक येलो में, एक पिंक में, और मैं सोच रही यार ये तो मैंने गलत ही आइडिया दे दिया। और फिर जब हम पार्टी में गए तो मतलब अभी समझ लो कि 10 में से 6 लड़कों ने अलग अलग कलर के वही ग्लिटर वाले पीले वाले कुर्ते, और मैंने फैसला कर लिया इसका तो पोछा बनेगा। मैं नहीं पहन सकता ये तो, आज तो पहन लिया खड़ा होगा। ये बात चल रही है दिवाली के टाइम पे, सबने वो शीशे वाले जो कुर्ते नहीं है, चमकीले कुर्ते सीक्वेंस वाले बॉलीवुड में तब चले भाई। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी बोल दो भाई। द एके ट्राइब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।